हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आफ्टर इफेक्ट्स के इंटरफेस के विषय में। आज हम सीखेंगे की फ्रेम के विषय में। की फ्रेमिंग बेसिकली होती क्या है? देखिए, लास्ट प्रोजेक्ट में हमने ये कुछ स्टफ्स इंपोर्ट किया था, तो आज हम इसी स्टफ पर वर्क करेंगे। लास्ट टाइम हमने लोगो PSD जो है एक इम्पोर्ट किया था एज एन फुटेज के तौर पे। आज हम इम्पोर्ट करते हैं फाइल लोगो एंड एज एन कंपोजिशन फोटोशॉप सीक्वेंस। ये फोटोशॉप सीक्वेंस वो है कि जिसमें आप फोटोशॉप में जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में आपके आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किए हैं, ठीक उसी ऑर्डर में आपके सामने वो ऑब्जेक्ट्स आए। आप इसको ओपन करते हैं। ये बोलता है कि एडिटेबल लेयर स्टाइल और मर्ज लेयर स्टाइल इनटू फुटेज। हमने कहा एडिटेबल लेयर स्टाइल ये क्या होता है? देखिए, जब आप ओके करते हैं तो आपके सामने ये कंपोस्टिंग आ जाती है एज एन कंपोस्टिंग। पिछले वीडियो में जब हमने लोगों को इंपोर्ट किया था फोटोशॉप के उस पर, तो ये सिंपल एक फाइल आ रही थी। जैसे देखिए यहाँ पे अब हमने एज एन कंपोस्टिंग ओपन किया है, तो यहाँ देखिए क्या होता है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप की तरह ही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप फोटोशॉप में एनिमेशन नहीं कर सकते और यहाँ पे आप एनिमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने कंपोस्टिंग करी हुई है टॉप लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड बेस लेयर बैकग्राउंड। ये लेयर पे आप एरो देख रहे हैं। इस एरो को जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ट्रांसफॉर्म का एक लाइन टेक्स्ट पॉपअप होता है। यहाँ पे भी एक और एरो देख रहा है और ये रीसेट। अगर आप ये रीसेट बटन प्रेस कर देंगे तो जो आपने फोटोशॉप में कंपोस्टिंग करी हुई है तो वो सारी जो भी आपने पोजीशन या जिस तरीके जो भी स्केलिंग पोजीशन सब दी हुई है वो सारी रीसेट होके आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे आ जाएगा। देखिए, जैसे ये अगर आप रीसेट प्रेस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट देखिए क्या हुआ। यहाँ पे फिर आपको दोबारा से कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी। अंडू कर देते हैं। जब आप ट्रांसफॉर्म के एरो पर क्लिक करते हैं तो ये डाउन हो जाता है और ये कुछ पॉइंट्स ओपन होते हैं जिसमें एंकर पॉइंट्स, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेक्सिटी। एंकर पॉइंट्स वो होता है जिसमें आप जिस पॉइंट के थ्रू आप एनिमेशन करते हैं। पोजीशन कंपोस्टिंग में किस पॉइंट पर, किस जगह पर आप प्लेस करना चाहते हैं तो वो पोजीशन को बताता है। स्केलिंग, ऑब्जेक्ट की स्केलिंग कितना स्केल करना है कितना नहीं, जितना आप स्केल करना चाहें उतना स्केल कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन, ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं, और ओपेक्सिटी से आप ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम एनिमेशन शुरू करते हैं। आप यहाँ पे लेयर्स का नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम आप एंटर करिए और इस पर लिख दीजिए प्लस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैन एंड लीफ। यहाँ पे आप आइकन देख रहे हैं, एक आइस का आइकन बना हुआ है, तो ये आपका लेयर्स को ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आइकन हट जाता है, तो वहाँ साथ ही आपकी कंपोजिशन में से जो है लेयर्स भी हट जाती है। आप इसको ऑन करते हैं तो लेयर्स ऑन हो जाती है। इसी तरीके से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं किसी भी लेयर को। इसमें आप एनिमेशन का ऑर्डर भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, तो उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम एनिमेशन कर सकते हैं।
अभी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके 0 सेकंड से स्टार्ट हैं। अगर आप इसको लीफ को मूव कर देते हैं, मूव टूल सेलेक्ट करने के लिए आपके पास वी प्रेस करते हैं, सिलेक्शन टूल बोलते हैं इसे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको मूव करना है वो सिलेक्शन टूल के थ्रू करेंगे। इन टूल्स के विषय में मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप पहले चीज़ देखिए कि क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टूल्स कैसे यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। ये देखिए, सपोज़ आप चाहते हैं कि पहले प्लस का साइन आए, फिर मैन आए, फिर लीफ आए, तो इसलिए हमने ऑर्डर सेट किया कि फर्स्टली प्लस साइन, देन मैन एंड लीफ। आप चाहते हैं कि अगर मैन और लीफ एक साथ आए तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल इन पॉइंट है जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट शुरू होगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मिंग की, आप इसे डाउन कीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं स्केल और पोजीशन। ये आपका x और y एक्सिस को शो करता है, जो इसमें x एक्सिस और y एक्सिस पे वर्क करेगा। और ये आप टाइम देख रहे हैं क्लॉक, तो ये टाइम वेरी स्टॉप वॉच है जो कि आपको फंक्शनिंग करने के लिए होता है की फ्रेमिंग को, जिसके आप हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आइकन शुरू हो गया है और यहाँ पे आपके पास एक की फ्रेमिंग आ गई है, ऐड की फ्रेम। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड हो गया। अब सपोज़ आपने इसको स्केलिंग भी करनी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अभी आपका स्केलिंग जो है 100% है, पोजीशन है 254 287। सपोज़ आप चाहते हैं कि इसकी पोजिशनिंग जो है यहाँ हो और स्केलिंग 100% हो। इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, रैम प्रीव्यू है ये। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हैं कि आपका एनिमेशन जो है वो रिवर्स में आए, मतलब कि ये ब्लू से ओपन हो और इस तरीके से प्लस क्रिएट होना चाहिए, न कि ये आउट जाए। क्योंकि देखिए, लोगो आपने क्रिएट करना है तो आपने एक परसेप्शन बनाया कि पहले प्लस, मेरा प्लस आएगा, उसके बाद मैन आएगा, उसके बाद लीप्स आएंगे। तो मीनिंग आपको की फ्रेमिंग भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। ये ओपेक्सिटी, यहाँ पे हमने इनिशियल एक की फ्रेम ऐड किया था और एक लास्ट की फ्रेम ऐड किया था। अगर आप इन की फ्रेम्स की पोजीशनिंग चेंज कर देते हैं, जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, आप ड्रैग करते हैं तो अब आप देखिए क्या होता है। अभी हमें ये मैन नहीं चाहिए तो हम इनको अभी ऑफ कर देते हैं। आप इस पे जाइए, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि की फ्रेमिंग से ही होता है, तो आपको इनिशियल में लार्ज की फ्रेम चाहिए, बड़ा की फ्रेम चाहिए और लास्ट में पॉइंट, उस पॉइंट पे चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट और एंड पॉइंट क्रिएट कीजिए और दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए, ये हमारा प्लस का साइन आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो है ब्लू से ना आके धीरे धीरे फेड इन हो, मतलब धीरे 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 दिखाई दे, तो उसके लिए हमारे पास है ओपेक्सिटी। यहाँ देखिए, अभी ओपेक्सिटी 100% है, तो इसको आप थोड़ा सा खिसका दीजिए और इसको आप 0 कर दीजिए। अब क्या होगा कि ये आपका 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। देखिए, धीरे 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 पॉप अप होता है। प्लेबैक करके देखते हैं। यहाँ से आप एनिमेशन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये स्लोली स्लोली आए तो आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए सेकंड्स हम बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए
ये स्लो हो गया। और वहीं अगर आप इसको फास्ट मोशन में करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके इसको क्लोज़ कर दीजिए। इसको आप जब क्लोज़ कर देते हैं तो ये आपका एनिमेशन को आप फास्ट कर देते हैं। देखिए, प्रीव्यू प्रेस कीजिए, ये फास्ट में आ जाता है। नाउ अब हम चाहते हैं कि इसके बाद हमारी फेड इन हो के ये जो हमने लीव्स और मैन क्रिएट किए हुए थे वो आए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये आपका प्लस साइन जो है रोटेट हो के आए तो आप यहाँ पे भी रोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने इस पे प्रेस किया, ओपेसिटी आइकन थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप इसका रोटेट क्रिएट कर सकते हैं प्लस और माइनस में जाके। या अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा एक रोटेट होके आए तो 1 × 0 करते हैं तो ये पूरा एक रोटेशन के साथ आएगा, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हम बहुत तेज़ी से इसको एनिमेट नहीं करना चाहते हैं तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ डिग्री के साथ ही आए जैसे, तो ये मैंने 17-18 डिग्री करी और ये आपका ऑब्जेक्ट मूव करके आ रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये देखिए, आप इसको रैम प्रीव्यू कीजिए। नाउ आप चाहते हैं कि इसके बाद आपकी जो हमने ऊपर क्रिएट करिए थे मैन और लीफ वाले वो आए, तो आप इसको ऑन कर दीजिए और इसको आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मर्ज कर दीजिए। अगर आप इसको ये दोनों को एक ही कंपोस्टिंग में करना चाहते हैं ताकि एक साथ मूव करें तो इसके लिए आप इसको शिफ्ट कमांड सी प्रेस करेंगे तो इससे आपके आप सामने एक कहा जाता है प्री कंपोज। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगा आपको कि प्री कंपोज क्या होता है। तो मैन हमने किया, ओके, ये देखिए यहाँ आपके सामने एक और कंपोस्टिंग बन गई है। जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको ये लीफ और मैन आ जाते हैं। यहाँ पे लोगों पे जाएंगे तो ये आपका सिंगल क्लिक पे हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये आपकी क्लिप से स्टार्ट हो तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जीरो पे करिए और इसको आप यहाँ से एडजस्ट करिए, ये आया। अब आप चाहते हैं कि ये भी आपका एनिमेट हो गया है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म स्केल ओपेसिटी और पोजीशन, ये आपके लास्ट पॉइंट्स हैं तो आप इसको ड्रैग थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके बाद आप इसको पोजीशन छेड़िए, स्केलिंग कीजिए। आप चाहते हैं कि ये फेड इन होके आए तो यहाँ पे आप इसकी ओपेक्सिटी भी डाउन कर दीजिए, ये की फ्रेम थोड़ा सा अंदर ले लीजिए ताकि जल्दी फेड इन हो जाए। ओके, देखिए ये ऊपर जो मैंने वर्क एरिया सेट किया हुआ है आप ये देख रहे हैं, ये वर्क एरिया होता है जितना आप चाहते हैं कि आप प्रीव्यू करें, रैम प्रीव्यू करें, तो इसके लिए हम सेट कर देते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड होता है एन और इनिशियल का कमांड होता है बी। बी मतलब वर्क एरिया होता है, आप इनिशियल इस बार को आप वर्क एरिया के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। तो ये देखिए, नाउ आई वॉन्ट टू एनिमेट दिस लीव्स आल्सो। अभी यहाँ पे हमने एक प्री कंपोज किया था तो जब आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आप सिंपल इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म प्रेस कीजिए। आप चाहते हैं कि ये रोटेट होके आए, रोटेशन होती रहे इसमें, तो आपने सिंपल रोटेशन पे क्लिक किया और ये आपका। नाउ आप चाहते हैं कि ये जिग जैग मोशन में आए, मतलब आपका ऊपर नीचे होता रहे जैसे आपका क्लिप है, तो आप इस पर कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, दोनों सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा आगे टाइमलाइन पे जाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए,
और फिर वापस इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिएगा रैम प्रीव्यू से करिए, ये अभी बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो हम यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा कि ये स्लोली स्लोली मूव करे। ऑब्जेक्ट जितना आपका स्लो चलेगा उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इन की फ्रेम्स को हम थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। आप देखिए पहले एनिमेशन काफ़ी तेज़ हो रहा था और अभी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगा है। तो इसी तरीके से आप कुछ पे भी क्लिक कर सकते हैं। वापस लोगो पे आते हैं, आप देखिए तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में मैं आपको और थोड़ी सी कंपोस्टिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।